अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आप लोगों को थंबनेल से पता चल ही गया होगा, तो आज हम लोग करने वाले हैं जीसी वुमेन यूनिवर्सिटी का टूर, जो कि मदीना टाउन वाली साइड पे है। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत से लोगों के लिए ये हेल्पफुल भी होने वाली है, क्योंकि मैं आज आप लोगों को इसका पूरा विजिट कराऊंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। और अब हम लोग यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं, और ये यूनिवर्सिटी का मेन गेट है और मेन एंट्रेंस है, जहाँ पे स्टूडेंट की एंट्री कभी कभार अलाउ हो जाती है, बट मोस्टली जो है विजिटर ही यहाँ से गुजर सकते हैं। तो ये जो है स्टार्टिंग का एरिया है जहाँ से हम लोग गुजर रहे हैं। एंड दिस इज़ द पार्किंग एरिया जहाँ पे टीचर्स अपनी कार्स वगैरह पार्क करते हैं। और ये जो है मेन एंट्रेंस है जहाँ से यूनिवर्सिटी का स्टार्ट होता है। और राइट साइड पे ये गर्ल्स हॉस्टल था, जो कि अब डिपार्टमेंट में चेंज हो गया, केमिस्ट्री, आई थिंक केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में चेंज हो गया। और साथ ही कंटीन एरिया था जो कि अब बंद हो चुका हुआ है, और उसके आगे जो है सिटिंग एरिया है जहाँ पर आप वेट कर सकते हैं। और इनके साथ साथ छोटे छोटे ग्राउंड बना दिए हैं जहाँ पर आप बैठ के इंजॉय कर सकते हैं। अगर वेदर अच्छा हो तो आपका टाइम बहुत अच्छा गुजर जाता है। और ये जो सामने हैं, ये जो है मैं बात कर रही थी, यहाँ भी ये सिटिंग एरिया था। और ये जो है रोड है जहाँ पे हम लोग चल रहे हैं। और ये जो है फाउंटेन एरिया है जो कि फ़िलहाल बंद हुआ हुआ है, और इसके सामने जो है फातना ब्लॉक है और मेन लाइब्रेरी भी है। और ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है, ये जो है पार्क है, और उसकी बैक साइड पर बैंक है, पंजाब बैंक है, और साथ में नेशनल बैंक है। और उसके साथ जो बिल्डिंग बनी हुई है वो एडमिन ब्लॉक है, और यहाँ पे तमाम ऑफिस के काम होते हैं। और ये यूनिवर्सिटी का ऑडिटोरियम है जहाँ पे मोस्टली फंक्शंस वगैरह हो या कोई भी प्रोग्राम वगैरह हो, कोई टेस्ट वगैरह हो, जैसे एडमिशन वगैरह के टेस्ट होते हैं तो यहाँ पर होते हैं। और ये जो है स्टूडेंट्स का पेंटिंग वर्क है, आई थिंक ये आर्ट्स के स्टूडेंट ने जो है दीवार पर काम किया है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से पेंटिंग की हुई है। और ये ऑडिटोरियम के बिल्कुल सामने वाली बिल्डिंग है, और ऑडिटोरियम के सामने भी ग्राउंड बने हुए हैं। और ये जो बिल्डिंग है ये मैथ डिपार्टमेंट है, और साथ ही इसके ऊपर लैब्स भी बनी हुई हैं, और भी डिफरेंट यानी कि क्लासेस जो है ना डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की वो यहाँ पे होती हैं। और ये जो सामने बिल्डिंग है ये जो है जूलॉजी डिपार्टमेंट है, और साथ ही साथ इसके नीचे जो है वो फिजिक्स भी है। और यहाँ पर साथ ही HOD का रूम है, और साथ ही जूलॉजी डिपार्टमेंट के क्लरिकल ऑफिसेज हैं। और ये जो सामने बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, यहाँ जूलॉजी लैब्स बनी हुई हैं। और ये जो सामने रूम्स बने हुए हैं, यहाँ पे क्लासेस होती हैं। और इस एरिया में भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, लाइक इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिया। एंड दिस इज़ द मस्जिद एरिया जहाँ पे बहुत खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है, और स्टूडेंट्स यहाँ पे नमाज पढ़ती हैं। और अगर यूनिवर्सिटी की स्टडी की बात की जाए तो आई थिंक इट्स नॉर्मल। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे जो है रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, लाइक जो एक यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। कोई टाइमिंग नहीं है, कोई क्लासेस का कोई स्केड्यूल नहीं है,
कि कब टीचर ने आना है और कब नहीं आना है, और स्टूडेंट को बिल्कुल भी इन्फॉर्म नहीं किया जाता, वो वेट में ही रहता है कि क्लास होगी या नहीं होगी, जो कि यूनिवर्सिटी में ऐसा होता नहीं है। क्योंकि जो एक यूनिवर्सिटी लेवल होता है वहाँ पे आपको इन चीज़ों को फेस नहीं करना पड़ता है, वहाँ पे आपको प्रॉपरली आपका टाइम टेबल मैनेज होता है, टीचर आपको इन्फॉर्म कर देते हैं, CRGR को इन्फॉर्म कर देते हैं, वो आगे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर देते हैं, तो वो इसी हिसाब से टाइम मैनेज कर लेते हैं। और इसी तरह अगर क्लास लेट होती है तो वो लोग उसी के मुताबिक वहाँ पे आते हैं और अपना काम जो है वो प्रॉपर कर लेते हैं, इस तरह उनको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। लेकिन इस तरह जो है इंसान को ज़्यादा टेंशन होती है और ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, सो आई थिंक दिस इज़ नॉट द राइट वे। इन लोगों को इस चीज़ के ऊपर भी काम करना चाहिए, और इसे जो है यूनिवर्सिटी लेवल का जो दर्जा है वो अब कुछ टाइम पहले ही मिला, यानी कुछ साल पहले ही इनको मिला, तो इस वजह से भी आई थिंक ये लोग सही तरीके से इसको मैनेज नहीं कर पा रहे। और ये जो है हॉस्टल एरिया है जो कि अभी न्यूली बना है यूनिवर्सिटी में, और ये मैं आपको अंदर का इसका व्यू दिखा रही हूँ, ये मेन एंट्रेंस है, और यहाँ पे जो है फूड कोर्ट है जहाँ पे जो है स्टूडेंट्स को खाना वगैरह दिया जाता है हॉस्टल स्टूडेंट्स को। और ये जो है अंदर ऑफिसेस बने हुए हैं, और यहाँ पे ग्राउंड बना हुआ है, और हॉस्टल काफ़ी अच्छा बना हुआ है, लाइक न्यू बना हुआ है, तो हर चीज़ न्यू है, और यानी प्रॉपर तरीके से मैनेज किया गया है सब कुछ। और ये कैफेटेरिया है, और यहाँ पे तमाम चीज़ें खाने पीने की मौजूद है, लाइक फ्राइज, शेक्स एंड जूसेस, यानी तमाम फूड आइटम्स, हर किस्म के आपको तमाम चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। और ये यूनिवर्सिटी की बैक एंट्रेंस है जहाँ पे स्टूडेंट्स अलाउ हैं आने के लिए। और ये जो सामने ग्राउंड नज़र आ रहा है यहाँ पे जो है मोस्टली क्रिकेट मैचेस हों या कुछ भी लाइक स्पोर्ट्स वगैरह का सब सिस्टम जो है वो इसी ग्राउंड में होता है, और अगर कोई फंक्शन वगैरह हो लाइक कल्चर डे हो जाए या फन फेयर वगैरह हो जाए तो इसी ग्राउंड में ही होता है। और ये जो है फिशरीज एरिया है, यहाँ पे फिशेज वगैरह स्टॉक की गई हैं, लाइक उनकी नर्सरी बनी हुई है, और यहाँ पे टीचर्स के हॉस्टल बने हुए हैं, और उसी के साथ जो एरिया है वहाँ पे यूनिवर्सिटी की बसेस पार्क की जाती हैं। And this is the complete tour of the university. Hope you will love this video. If you like the video, then do like, comment and share. And don't forget to subscribe my channel. उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और आप लोगों को ज़रूर इससे कोई ना कोई बेनिफिट भी मिलेगा और इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाती रहूँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आई विल डेफिनेटली मेक मोर वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।